Hey, welcome to CA Foundation Classes YouTube channel. My name is Agnika Khatri. I am a CA and this is a platform. CA Foundation Classes is a platform जहाँ पे आपके CA course, CA foundation से related सारे doubts clear किया जाते हैं. Together with that, जो website आपको अभी दिख रही है यहाँ पे आप बहुत ही affordable. I think the lowest price, the most affordable price in India में आपको live classes, doubt support, lectures, recordings सारी से सारे features दिए जाते हैं जो एक बच्चा CA foundation की तैयारी करने के लिए चाहता होगा. दोस्तों आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है और हाँ Instagram पे मुझे फॉलो करना मत भूलेगा. हमारे आज के वीडियो का टॉपिक है कि लॉ में हम बार-बार फेल क्यों हो रहे हैं. तो जो बच्चे लॉ से डरते हैं उनके लिए भी ये वीडियो है और जो बच्चे लॉ में बार-बार फेल हो रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो है. भाई मेरी बात सुनो बहुत गौर से. थोड़ा सा टॉपिक से हट करके एक दो बातें बोलना चाहती हूँ. नंबर वन, आपको पता है हमारी जो क्लासेस होती है 8 AM लाइव लॉ की क्लास होती है, राइट? बस बता रही हूँ, पोस्ट करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, दो मिनट सुन लेना. बच्चा 8 बजे आता है, 8 से 1.5 घंटे की क्लास करता है आराम से. सुबह सुबह बेचारी अपनी नींद खराब करके क्लासेस करता है. उसके बाद जब क्लासेस हो जाती है उसके बाद मैंने उसमें उनको होमवर्क देती हूँ कि भाई इतना पोर्शन तुमको पूरा याद करना है. तो लॉ में याद करना ही पड़ेगा और लॉ के साथ खिलवाड़ किया जिंदगी खराब हो जाएगी. सीए तुरंत छोड़ दो अगर लॉ के साथ आज खिलवाड़ कर रहे हो. क्यों? लॉ, अकाउंट्स, ये सब कोर सब्जेक्ट्स हैं. टैक्स ऑडिट भी है लेकिन लॉ तीनों ही लेवल पे है. लॉ सीए इंटर और फाइनल में भी आएगा. तो बेस खराब होगा तो क्या ही सीए बन पाओगे? कैसे कैसे पास भी हो जाओ सीए फाउंडेशन में, नहीं तुम्हारी पार नहीं लगेगी. तो बच्चे आते हैं उनको मैं पढ़ाती हूँ बेचारे 1.5 घंटे सुबह सुबह लॉ पढ़ते हैं. फिर उसके बाद इनका रोज का है ये, आप मेहनत देखो. फिर उसके बाद जाकर के उसको पूरा डे का डे याद करते हैं. मैं बोलती हूँ मेरे नेक्स्ट क्लास में आना ही मत जब तक एक क्लास पहले की चीजें रटी हुई याद ना हो. रटना पड़ेगा, सॉरी टू यूज दैट वर्ड. उसके बाद मैं उनको लंबे चौड़े 40-50 क्वेश्चंस डायरेक्ट इनडायरेक्ट केस स्टडी क्वेश्चंस के असाइनमेंट्स देती हूँ. वो असाइनमेंट्स वो खुद करते हैं. वो असाइनमेंट्स कहाँ कहाँ से आते हैं? प्रीवियस ईयर आरटीपी एमटीपी के क्वेश्चंस होते हैं वो. उसको करने के बाद वो मेरी असाइनमेंट राइटिंग प्रैक्टिस क्लासेस अटेंड करते हैं. उसके बाद वो टेस्ट देते हैं, याद करते हैं. इतनी सारी मेहनत करने के बाद जो है वो लॉ में अच्छे मार्क्स लेकर जा पाएंगे. अगर इसमें से कोई भी एक पिलर आपका कमजोर है तो आप लॉ में फेल हो जाओगे. बच्चे क्लासेस कर लेते हैं, मेरे बहुत सारे क्लास के बच्चे थे उन्होंने क्लासेस की लेकिन मेरी ये बात नहीं मानी उन्होंने कि उनको रिविजन करना पड़ेगा. मैं आपको रिविजन नोट्स हैंड रिटन भी दे देती हूँ अगर वो पसंद है, उससे रिविजन करो. मल्टीपल टाइम्स रिविजन वीडियो भी देती हूँ उसी क्लास में. तो 1 to 99 का फिलहाल हमारा क्लास का प्राइस चल रहा है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है. उसमें आपको रिविजन वीडियोस भी दे देती हूँ. तो 100% लाइव क्लास और रिविजन वीडियोस. तो ये जब तुम मल्टीपल टाइम्स अगर नहीं कर रहे हो तो तुम प्लीज पास होने की उम्मीद छोड़ दो, राइट? तो यार कहने का मतलब है कि आप एक बार क्लासेस कर लेते हो आपको लगता है कि बस क्लासेस कर लिया, हलवा है, हो गया, टीचर ने घोल के पिला दिया, हो गया, हम पास हो जाएंगे. आपको खुद से मल्टीपल टाइम्स याद करना पड़ेगा. उसका तरीका दिया ही ना यार, रिविजन नोट्स दिए, रिविजन वीडियोस दिए. आंख बंद करो, रिविजन वीडियो को 1.5 पे करके 4 बार सुनो, तब जाके याद होंगी चीजें. उसको याद करो, दोहराओ, लिखो, राइटिंग प्रैक्टिस असाइनमेंट दिए हुए उससे क्वेश्चन को के आंसर को मैच करो. इस तरीके से आप लॉ में जो है पास हो पाएंगे. और आप इसमें से अभी अगर आप मेरा वीडियो सुन रहे हैं तो आखिर कौन सी एक गलती आप इसमें से करते थे, क्या चीज आपने नहीं किया? इनफैक्ट मैं बच्चों को ये भी बताती हूँ कि 1.8 मिनट स्ट्रेटजी होती है, यानी कि अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है लॉ का, केस स्टडी है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, उसको 4 × 1.8 मिनट्स लगा करके आपको पढ़ना है, उसको लिखना है. बच्चे को ये बात पता ही नहीं होती, वो राइटिंग प्रैक्टिस कभी करता ही नहीं है. और जब 1 महीना बचता है, आधा महीना बचता है, जब बच्चे एमटीपी दे रहे होते हैं तब इनकी जो है हालत खराब होती है कि मैम, वो हमसे पूछते क्या है कि मैम जरा बताइए कि हमको सेम टू सेम आंसर लिखना होता है क्या, जैसे एमटीपी आरटीपी में होता है. अरे नालायको, इन सब के लिए तुमको कितनी मेहनत कर चुकी होनी चाहिए थी, तुम्हारा ये लास्ट टाइम पे क्वेश्चन आना ही नहीं चाहिए. तुम्हारा ये क्वेश्चन आ रहा है इसका मतलब है कि तुम ऑलरेडी फेल हो, तुम बहुत ही गंदे तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हो. तो भाई ये सीए है, बीकॉम नहीं है कि बस पढ़ लिया पास हो गए, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं. तो मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि हम लोगों ने ऑलरेडी यार 10,000 रुपए की फीस होती है, हम लोगों ने ऑलरेडी 2000 के विद इन 1500 के आसपास अपनी क्लासेस कर रखी है. चाहते हो तो आओ, नहीं चाहते हो तो इसी तरीके से खुद से प्रिपरेशन करो, या फिर जहां भी प्रिपरेशन करो वहां पे गुजारिश करो कि इस तरीके से राइटिंग प्रैक्टिस वगैरह करवाई जाए, वरना भाई कोई तुमको बचा नहीं सकता है. लेकिन सीए इतना भी टफ नहीं है. अगर आप कॉन्शियस हैं कि मैं इसमें घुस चुका हूं, मैं एक राइट मेंटर को पकड़ कर राइट तरीके से मेहनत करूंगा, कंसिस्टेंटली मेहनत करूंगा, तो आपको पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता है. फेल आप बिल्कुल नहीं होंगे लॉ जैसे सब्जेक्ट में. तो लॉ हमारा आज का टॉपिक था. यू विल डेफिनेटली पास इन लॉ, कोई तुमको रोक ही नहीं सकता है पास करने के लिए, राइट? तो ऐसे ही और भी जो आपके टॉपिक्स है प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए. इसके ऊपर मुझे वीडियोस बनाने में बहुत खुशी मिलती है. बाय बाय, नमस्कार, टेक केयर.